अनिल जी क्या कहेंगे आज इतने बड़े एसटीएस हाउस का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहना है? ये हमारे हमारी यहाँ की काउंसलर माया बिष्ट और हमारी काउंसलर अनीता सिंघल के अथक प्रयास से इन्होंने कोई भी पहलू छोड़ा नहीं, हर स्टोन को टर्न किया है और बड़ी मेहनत से बड़े संजावत से संघर्ष के साथ इस कार्य को अंजाम दे पाए, इससे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक एग्जेम्पलरी काम हुआ है। छह लाख की पब्लिक के लिए बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इनको और मेयर साहब को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माया जी को, अनिता जी को और मेयर साहब को। एमसीडी का जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा एमसीडी के? हर चीज चुनाव के लहजे से नहीं, जनता के सहूलियत के लिए जरूरी था और छह लाख की जनता को लाभ होगा तो चुनाव में नेचुरल लाभ होगा, लेकिन चुनाव के मुद्दे से नहीं देखा जा सकता जी। ये विकास का कार्य है, जनता के मतलब का कार्य है, बहुत बड़ा काम हुआ है ये, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अनिल जैन जी से भी बात हुई और यहाँ पर देख सकते हैं एससीटीएस जो कि एमसीडी के माध्यम से देवली विधानसभा संगम विहार और वार्ड नंबर 78 और वार्ड नंबर 76 के बीचों बीच ये डंपिंग यार्ड था और डंपिंग यार्ड को फिलिंग कराते के साथ साथ एमसीडी के माध्यम से एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली में एससीटीएस का ढलाव घर यहाँ पर तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में पूरे के संबंधित और बांध रोड में जिस प्रकार से परिस्थिति थी शायद आने वाले दिनों में ये देखने के लिए ना मिले। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।